हाय स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर फ्रॉम शिवम एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल का करने वाले हैं, राइट। उससे स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल। नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इन अ लीनियर पॉलीनोमियल ए एक्स प्लस बी, इसका जीरोस क्या आया था? इसका जीरोस आया था एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। उसका जीरो एक ही आया था क्योंकि लीनियर इक्वेशन में एक ही जीरो होता है, ये था। नाउ इफ यू टेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ले लेते हैं और इसका लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, ये वाला पॉलीनोमियल। तो अब ये पॉलीनोमियल का जीरोस क्या आएगा? दो जीरो आएगा कम से कम। तो ये दो जीरोस किस तरह आता है? स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो टू एक्स स्क्वायर स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म से, एक एग्जांपल ले लेते हैं टू एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x square minus 8x plus 6, right? तो let p of x is equal to 0 ले लेते हैं। तो 2x square minus 8x plus 6 is equal to 0, तो ये क्या आ जाएगा? 2 common ले लो, x square minus 4x plus 3 is equal to 0, तो 2 is equal to 0 हो जाएगा। therefore x square minus 4x plus 3 is equal to 0, splitting of the middle term, right? 3 ones are 3 वाला, तो ये अगर हम करें तो x square minus 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, ये हमारा जीरोस आया। अब ये जो जीरोस है, अगर मैं इसको करूँ सम ऑफ जीरोस, सपोज सम ऑफ जीरोस लिखूँ तो क्या आएगा? देखिए 3 प्लस 1, 3 यहाँ लिखते हैं, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4, राइट, इज इक्वल टू, ये 4 कब आ सकता है देखिए तो जरा, ये माइनस माइनस 8 अपॉन 2, राइट। तो ये माइनस माइनस 8 ये मिडल टर्म हुआ, राइट। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 8, सी इज इक्वल टू 6 है। तो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, That is minus b upon a, right? ये आपका पहला फॉर्मूला। वैसे ही अगर आप देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 into 1, दैट इज 3 आएगा। लेकिन ये 3 कैसे आ सकता है देखिए जरा, ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, राइट। दैट इज 6 अपॉन 2, दैट इज 3। ये कैसे आ सकता है? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज सी अपॉन ए, सेकेंड जीरोस। देयरफॉर द सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए। लेकिन इस तरह तो कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता है, तो हमको क्या कर रहे हैं, एक एज्यूम करते हैं अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा गामा ये सब ग्रीक वर्ड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर जस्ट एजम्पशन। जैसे मैंने कल वेरिएबल के लिए बताया वैसे ये अल्फा बीटा गामा, राइट। तो लेट अस टेक, लेट अस कंसिडर अल्फा एंड बीटा आर दी टू जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलीनोमियल। तो क्या आएगा ये? देयरफॉर द जीरोस विल बी एक्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इस तरह आएगा ना, राइट। तो ये हो गया, तो ये इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज के एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। इसे अगर हम और अच्छी तरह लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट।
ओके, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके आगे साथ अगर के भी ले लेते हैं सब में, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस के के एक्स के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, राइट। अब कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करें तो क्या आएगा सर, कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा के, राइट, बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, राइट, और सी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। तो देयरफॉर अगर ये देखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड ये इसको बॉक्स बना लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ये दूसरा बॉक्स बना लो, दिस आर दी जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस अगर देखो तो ये फॉर्मूला से याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसी तरह हम लोग इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी कर सकते हैं, राइट। लेट अस सी इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड आउट द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आल्सो। लेट सो equation is ax cube plus bx square plus cx plus d, right, ye hai, and alpha beta and gamma are the zeros of this polynomial, right, then sum of zeros kya ho jayega alpha plus beta प्लस गामा इज इक्वल टू सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला माइनस बी अपॉन ए, राइट। सिमिलरली सेम टू सेम प्रूव करना है, सिमिलरली राइट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, राइट, क्या आएगा सी अपॉन ए, राइट। And the third product is equal to zeros, sum of the product of zeros, sum of the product of zeros, ये हो गया, और product of zeros क्या हो जाएगा alpha beta gamma is equal to minus d upon a, ये आपको याद रखना है। d का coefficient constant जो है वो लिखना है, ये लिखना है, right, this is the thing, और ये अभी आपको लिखा बताने की जरूरत नहीं, b मतलब क्या हुआ कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x, कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x क्यूब, इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, राइट, इस तरह आपको याद रखना है। ओके, दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड ऑफ ए पॉलिनोमियल, याद रहेगा आपको। नाउ वी कैन डू दिस ऑल दिस सम्स, एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पहले x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जीरोस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेना है, राइट। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसका आप लोग को फैक्टराइजेशन करना है, 5 2 जा 10 दैट इज x प्लस 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 2, राइट, ये हमारा जीरोस मिल गया यहाँ, देयरफॉर माइनस 5 एंड माइनस 2 आर दी जीरोस ऑफ p ऑफ x, राइट। अब वेरीफाई करना है, नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, माइनस 5 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 आएगा, माइनस 7 कैसे आ सकता है जरा देखते हैं, राइट, माइनस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, यहां पे नीचे वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इज इट राइट, माइनस बी अपॉन ए,
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई हो गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसा होगा, माइनस फाइव इंटू माइनस टू ये आएगा प्लस टेन, राइट। वापस देखिए नीचे वन ले लीजिए तो ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज टेन अपॉन वन सी अपॉन ए आ गया। दिस इज वेरीफाइड, देयरफॉर वेरीफाइड दिस इज द थिंग। एग्जाम्पल इजी है, राइट। पहले आपको फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, माइनस बी अपॉन ए और सी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर थ्री। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द नॉट। अब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आपको पी ऑफ एक्स ले लेते हैं, राइट। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, जरा देखिए। यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। दिस यू विल गेट एक्स माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। देयरफॉर माइनस रूट थ्री एंड प्लस रूट थ्री आर द जीरोस। ये हमारा हुआ ऑफ पी ऑफ एक्स, ये हमारा हुआ फैक्टराइजेशन। अब वेरीफाई करना है। नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री। माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो लगाते, अगर ये जीरो आता है तो ये नीचे वन होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू जीरो है, सी इज इक्वल टू माइनस थ्री है। आपको ये कंपेयर करना है। ओके, तो अगर आपने ये कंपेयर किया तो आपको समझ पड़ेगा बी जीरो आया है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री क्या आएगा, माइनस थ्री, राइट। अब ये नीचे वन रखो तो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखिए जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कितना है, माइनस थ्री, और ये वन दैट इज सी अपॉन ए आ गया। इसको लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। दिस इज वेरीफाइड, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, राइट। अब हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं, आगे के जो दो एग्जांपल्स हैं अगर नहीं समझ पड़े तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सम जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। फैक्टराइजेशन और फिर उसके बाद जीरोस का कंपेयर करना है, राइट, कोएफिशिएंट के साथ। लेट अस सी। फर्स्ट वन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, राइट। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। नाउ लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आई होप आप लोग को फैक्टराइजेशन आता है। फोर टू ज़ा एट, फोर टू ज़ा एट, फोर में से टू गया तो टू आएगा, राइट। लेकिन जो बड़ा नंबर है उसको मिडल टर्म का साइन जाएगा, दैट इज व्हाई आई पुट एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू। तो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू फोर और एक्स इक्वल टू माइनस टू। देयरफॉर फोर एंड माइनस टू आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, ये लिख देने का है। अब उसका कंपैरिजन करना है, वेरीफाई करना है। नाउ सम ऑफ दी जीरोस इज इक्वल टू क्या है, इसको प्लस करते हैं, फोर प्लस माइनस टू
अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो एक्चुअली क्या आएगा सर, प्लस टू आएगा। लेकिन अगर आप हमको ये कोएफिशिएंट का देखना है, इसको कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आएगा देखिए, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस टू अपॉन वन, प्लस टू आया देखिए, सेम टू सेम कंपैरिजन हो रहा है, तो यहां भी टू वहां भी टू, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ सेम वे अगर हम देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर देखें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर और माइनस टू, यू विल गेट माइनस एट, राइट। अब यहां क्या है आपको लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था हम लोग ने, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या आएगा इधर, माइनस एट अपॉन वन, दैट इज माइनस एट, आया सेम, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड, राइट। दिस वॉज वन, नाउ लेट अस सी द टू, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, राइट। यार ए इज इक्वल टू फोर, बी इज इक्वल टू माइनस फोर, सी इज इक्वल टू वन, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, इसका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं क्योंकि हमको जीरो फाइंड करना है, देयरफॉर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, अगर हम इसे करते हैं तो 2x, 2x माइनस वन माइनस वन, 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 2x माइनस वन, 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन अपॉन टू और x इक्वल टू वन अपॉन टू, दिस आर दी जीरो, देयरफॉर वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू आर दी जीरोस ऑफ p ऑफ x, ये लिख देना है, राइट। ये एक्चुअली 2x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन दिस इज द वे यू हैव टू फैक्टराइज। अब वेरीफाई कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस, नाउ लिखना है ना, नाउ सम ऑफ जीरोस क्या है, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 एक्चुअली 1 आएगा, राइट। इसको हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस सॉरी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, माइनस माइनस फोर अपॉन फोर, ये आ जाएगा प्लस वन, इट इज वेरीफाइड, अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम, राइट। और दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वन अपॉन टू वन अपॉन टू यू विल गेट वन अपॉन फोर, लेट अस कंपेयर विद द कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माई वन अपॉन फोर, आई थिंक वेरीफाइड, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड, ओके। ये हमारा ये था सेकेंड सम, नाउ द थर्ड सम इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, पहले इसे रीअरेंज कर देते हैं, राइट। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यू विल गेट ए इज इक्वल टू सिक्स, बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। नाउ फैक्टराइजेशन करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सिक्स थ्री का क्या हो जाएगा, एटीन, राइट। एटीन को कैसे करें तो सेवन आएगा, स्प्लिट करेंगे तो नाइन टू जा एटीन, राइट। अब नाइन नंबर मिडिल टर्म को जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इज थ्री एक्स टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर थ्री एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, देयरफॉर वन अपॉन थ्री एंड थ्री अपॉन टू आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स,
राइट, ये लिख दिया, अब वेरीफाई करते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3/2, 1/3 नहीं माइनस है ना, माइनस 1/3 एंड प्लस 3/2। इसको देखिए तो अगर सॉल्व करें तो 6 माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 1/6। लेट अस सी कोएफिशिएंट माइनस ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस 7, ये सॉरी दिस इज 9, यू विल गेट 7/6 राइट। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस 7 राइट, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 दैट इज 7/6। आई होप यू गॉट इट राइट। तो ये आपको वेरीफाई होता है सम ऑफ दी जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस देखिए, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस में 1/3 माइनस 1/3 3/2, ये हो जाएगा 3 कट दैट इज माइनस 1/2 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज कांस्टेंट है माइनस 3 और ये है 6 दैट इज माइनस 1/2। देखिए वेरीफाइड राइट, तो ये लिख दीजिए वेरीफाइड, दिस वे यू हैव टू डू राइट। ये यहां देख लीजिएगा माइनस 2 प्लस 9 अप राइट, तो दैट इज 7/6। लेट अस सी, तो अवर नेक्स्ट सम इज 4a स्क्वायर प्लस 8a राइट, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आएगा ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 0। लेट अस सी नाउ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 8a, तो 4a स्क्वायर प्लस 8a इज इक्वल टू 0 राइट। आप 4a कॉमन ले लीजिए, ये मिलेगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू माइनस 2। लेट अस टेक राइट नाउ, देयरफॉर 0 एंड माइनस 2 आर दी जीरोस ऑफ p ऑफ x। लेट अस टेक सम ऑफ जीरोस दैट इज 0 प्लस माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। अभी ये माइनस 2 आ रहा है देखिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था दैट इज माइनस 8 और कोएफिशिएंट ऑफ ये अपॉन 4 माइनस 2। अंडरस्टूड, गॉट इट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा दैट इज 0 इंटू माइनस 2, 0 आने वाला है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 अपॉन 4 रहेगा तो भी क्या आएगा सर 0, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। ओके नेक्स्ट सम, नाउ कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी राइट, यहाँ पे ए टी स्क्वायर है तो आप ए टी स्क्वायर लिख सकते थे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू माइनस 15। नाउ पी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने रूट 3 वाला सम किया था, वही वैसे ही का वैसे ही सम है राइट, यू विल गेट टी माइनस रूट 15, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टी इज इक्वल टू रूट 15 एंड माइनस रूट 15 आर दी जीरोस ऑफ पी ऑफ टी दैट इज पी ऑफ एक्स राइट। नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 क्या आएगा जीरोस आएगा। लेट अस कंपेयर विद द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का क्या है, एक्स का तो है ही नहीं, दैट इज माइनस जीरो अपॉन कोई भी नंबर लेंगे वो आएगा जीरो, राइट। अब इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या आएगा माइनस रूट फिफ्टीन प्लस रूट फिफ्टीन, दिस यू विल गिव रूट फिफ्टीन, दैट इज फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन यू विल गेट। लेट अस सी कंपेयर विद द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस फिफ्टीन अपॉन वन, दैट इज माइनस फिफ्टीन। देखिए सॉल्व हो गया, राइट, देयरफॉर वेरीफाइड। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। लेट्स डू द नेक्स्ट सम, आवर लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, राइट, एट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये थ्री फोर था ट्वेल्व, मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ट्वेल्व को किस तरह स्प्लिट करेंगे, फोर में से थ्री गया तो वन, दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, बड़े नंबर को मिडिल टर्म का साइन देना है, प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये आएगा आपको x कॉमन ले लो, 3x माइनस फोर प्लस वन, 3x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x प्लस वन 3x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री, देयरफॉर माइनस वन एंड फोर अपॉन थ्री आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x, राइट। अब कंपेयर करते हैं, नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर अपॉन थ्री, इसे सॉल्व करो तो माइनस थ्री प्लस फोर अपॉन थ्री, दैट इज वन अपॉन थ्री। लेट अस सी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज माइनस माइनस वन अपॉन थ्री, दैट यू विल गेट वन अपॉन थ्री, दिस इज वेरीफाइड, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा माइनस वन फोर अपॉन थ्री, अगर देखें तो माइनस फोर अपॉन थ्री आना चाहिए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस फोर, दैट इज माइनस फोर अपॉन थ्री, दैट इज वेरीफाइड, देयरफॉर वेरीफाइड, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर वन। वापस स्टेप समझा देता हूँ, जब भी कोई सम दे है उसको पहले सबसे पहले क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है, देयरफॉर यू विल गेट ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू माइनस वन एंड सी इज इक्वल टू माइनस फोर। ये आपको लिख के बताना है, सो देट आपको यहाँ कोएफिशिएंट फाइंड करने में ईजी रहेगा, फिर उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसके बाद जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद सम ऑफ जीरोस लिखना है और वेरीफाई करके दिखाना है, इफ दिस टू आर कमिंग सेम देन इट इज वेरीफाइड, ओके। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर टू। नाउ स्टूडेंट्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमको पता है, राइट। यहाँ पे ये है आएगा सम और ये है प्रोडक्ट, राइट। तो अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, वन अपॉन फोर, और अल्फा बीटा क्या दिया है, माइनस वन। लेट अस राइट हियर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर एक्स माइनस वन। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर अपॉन फोर, दैट इज वन अपॉन फोर फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। इजी है ना, सिर्फ एलसीएम लिया मैंने। अच्छा, अगर जीरो स्पेंड करना है तो क्या करना पड़ता है सर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लेना पड़ता है, तो पी ऑफ एक्स जीरो लेंगे तो फोर जीरो में चला जाएगा, देयरफॉर राइट फॉर हियर वन अपॉन फोर फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर और फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर है सेम जीरोस, एस सेम जीरो से ये लिख देने का, राइट right? या तो आपको प्रूव करना है, देयरफॉर द क्या पूछा हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
माइनस फोर, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? दो मार्क का सम है, या तो कभी एक मार्क में पूछे, लेकिन आपको खाली ये सिर्फ इसमें वैल्यू रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, लेट्स गो फॉर दी नेक्स्ट सम, सेकंड नंबर का सम। यहाँ पे रूट टू दिया है या 1/3 दिया है, फल है क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट टू दिया है एज पर दी क्वेश्चन, एंड अल्फा बीटा इज 1/3। पुटिंग दिस वैल्यू इन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेट अस सी, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3, इसे अगर हम सॉल्व करें तो 3x square minus 3 root 2x plus 1/3, that is 1/3, 3x square minus 3 root 2x plus 1, ये वापस वही हुआ, right? यार 1/3, 3x square minus 3 root 2x plus 1, और 3x square minus 3 root 2x plus 1 has the same zeros, has the same zeros. Therefore, px polynomial is 3x square minus 3 root 2x plus 1. I hope you got the answer. Okay, let's see. Super. Next, let us see third sum. Similarly, we will do the third sum, right? Third, यहाँ पे alpha plus beta is equal to 0 दिया है, alpha beta is equal to root 5 दिया है, वापस यही है सर, p of x is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, value डाल दीजिए, x square minus 0 x plus अल्फा बीटा है रूट फाइव। अब जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव। इजी था, राइट? दिस वाज द आंसर, राइट? लेट अस सी द नेक्स्ट सम। ओके, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ सम, लेट अस सी। फर्स्ट वन, फोर्थ, अल्फा प्लस बीटा का क्या दिया है 1, अल्फा बीटा क्या दिया है 1, पी ऑफ एक्स लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। पुटिंग द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा दिस, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज is x square minus x plus 1, easy, right? वैसे ही ये वाला सॉल्व करते हैं, alpha plus beta is equal to minus 1/4 है, alpha beta is equal to 1/4 है, value डालते हैं, p of x is equal to x square minus alpha plus beta x alpha beta, you will get x square minus 1/4, देखिए alpha plus beta minus है, तो और एक minus डाल दीजिए, 1/4 x plus 1/4, you will get x square plus 1/4x plus 1/4, that is 4x square plus x plus 1/4, that is 1/4, 4x square plus x plus 1, यहाँ पे लिख दीजिए, right? यार 1/4, 4x square plus x plus 1, or 4x square plus x plus 1 has same zeros, therefore the quadratic polynomial is 4x square plus x plus 1. Okay, that's the thing, 4x square plus x plus 1, right? यहाँ पे alpha plus beta कितना है 4, अल्फा बीटा कितना है 1, कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट? दिस इज, यू विल गेट एक्स स्क्वायर
माइनस फोर एक्स प्लस वन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर है। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.1। वी हैव ऑल्सो डन द कंसेप्ट क्लियर फॉर एक्सरसाइज 2.1 के जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी क्लियर किए इंट्रोडक्शन में, और फिर सम्स भी किए, एग्जाम्पल्स भी किए हैं। प्लीज डू दी सम वन बाय वन, राइट, पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए, और अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट यू गेट दी नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी आवर ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो प्लीज़ कीप डू द सम्स, पॉज करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो टिल दैट, बाय बाय फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।